नमस्कार दोस्तों, मैं बंटी रावत APS न्यूज़ पर सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हाजिर हैं आपके सामने कुछ और लोकल चर्चित खबरों के साथ। पहली खबर गांव खिरवी से है। गांव खिरवी में ओवरलोड गन्ने से भरे ट्रक के आने जाने से ग्रामवासियों को खासी परेशानी हो रही है, क्योंकि यहां पर मिल नज़दीक होने की वजह से यहां से बाईपास होते हैं, जिसको लेकर वहां से बिजली के तारों से गन्ने से भरे हुए ट्रक टच होते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है और गांव की बिजली में अवरोध उत्पन्न होता है और वहां पर हादसे के होने की संभावना भी बनी रहती है। इस तरफ प्रशासन का बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं है। ग्रामवासी अधिकारियों को बार बार शिकायत दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई समस्या अभी तक सुलझती नजर नहीं आती है। होडल पुलिस ने बुलवाना रेलवे फाटक पर अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। 104 पौवे व देसी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम वीरेंद्र बताया गया है, जो वहां पर रेलवे फाटक के पास अपनी एक दुकान चलाता है। मुखबिर की सूचना पर जब छापेमारी की गई तो वहां से 104 पौवे देसी अवैध शराब बरामद की गई। जब उससे पूछा गया क्या उसके पास लाइसेंस है, तो उसके पास वहां पर वो लाइसेंस भी उस टाइम दिखा नहीं पाया। उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू की है। आज होडल में गोसेवाधाम हॉस्पिटल में धूमधाम से मनाया गया गोअष्टमी पर्व। गोवंशों को लगाए गए 56 भोग। ये जो पर्व है हर बार इस हॉस्पिटल में मनाया जाता है और माना जाता है कि ये श्री कृष्ण के गोवंश से प्यार के कारण, लगाव के कारण मनाया जाता है। इससे लोगों को समाज में प्रेरणा मिलती है कि वो भी गोवंशों की देखभाल करें, उनकी सहायता करें और उनको उचित इलाज दिलाने में मदद करें। 3 CHC सहित विभिन्न पॉइंटों पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1177 लोगों को लगाई कोरोना वैक्सीन। डॉक्टर विजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि हथीन के जिला नागरिक अस्पताल में विभिन्न टीमों का गठन किया गया था, जहां पर विभिन्न पॉइंटों पर जाकर लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। जिन लोगों को कोरोना की पहली डोज नहीं मिली थी उन्हें पहली डोज लगाई गई है, और जिन्होंने पहली डोज लगवाई है और जिनकी दूसरी डोज लगनी थी उनको दूसरी डोज मुहैया कराई गई। उटावड़ पुलिस ने घोड़ावली रोड पर सरेआम लड़ाई झगड़ा कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी राधेश्याम ने जानकारी देते हुए बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में उटावड़ निवासी सोएब, मुनफेद व परमान शामिल हैं। इनके बयान दर्ज कर लिए गए हैं और अदालत में इनकी मेडिकल जांच के बाद पेशी की जाएगी। मामला दर्ज किया गया है। गांव गर्रोट से है। गर्रोट में सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गश्त के दौरान गिरफ्तार किया गया है, जिनमें सुरेश और चेती गर्रोट गाँव के ही निवासी हैं, जो सार्वजनिक स्थान पर गश्त करते समय पुलिस के हत्थे चढ़े थे। आज हथीन के गांव जनाचौली से पुलिस ने अवैध शराब विक्रेता को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम महेंद्र बताया गया है। जसवीर यादव ने जानकारी देते हुए बताया है कि मुखबिर की सूचना पर व्यक्ति महेंद्र, जो जनाचौली गांव का निवासी है, वहां पर छापेमारी की गई, जहां से अवैध शराब बरामद की गई है। इसके लिए इतना ही। फिर मिलते हैं कुछ और लोकल चर्चित खबरों के साथ। तब तक वीडियो और चैनल के साथ अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।